वीडियो के एंड तक देखिए, मैं एंड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है और वीडियो को कैसे फास्ट करके देख सकते हैं ये दोनों चीजें बताई है मैंने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। आज का वीडियो मैं असर की नमाज के बाद शुरू कर रही हूँ, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। ऐसा कुछ बोल नहीं सकती कि बहुत कुछ हो गया, और ऐसा कुछ है नहीं कि इतना तबीयत खराब है कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। मतलब गुस्सा आ रहा है, चिढ़ आ रही है, रोना आ रहा है, नींद आ रही है, और ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, बस इतना हो रहा है। मतलब एक जगह समाधान, शांत बैठना, और मतलब इबादत में भी दिल नहीं लग रहा है। मतलब ओवरऑल में कशमकश, एकदम बहुत तकलीफ में हूँ, और ये तकलीफ हार्मोनल इनबैलेंस की है। इसे इसकी कोई दवाई नहीं है, और इसकी अगर दवाई कराएंगे तो दाढ़ी आ सकती है और मूछें आ सकती हैं, बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसे शांत से बर्दाश्त करना ही सबसे बड़ी बात है, और अल्लाह का करम है। और ये चीज़ हमें हो रही है बोलकर फैमिली वालों को भी बोलना चाहिए, मुझे नींद आ रही है, मुझे चिढ़ आ रही है जी, मुझे गुस्सा आ रहा है जी। आप इसी गुस्से में अंदर गर्म, और बॉडी गर्म हो जाती है फीवर की वजह से, नहीं जैसे गैस पे बर्तन रखने के बाद कैसे तपने लगता है, वैसा बॉडी ऐसा चट चट गर्म हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों को बोलकर किचन से साइड हो जाएं। अगर आपके घर में कोई मेड वगैरह नहीं है तो बाहर से खाना मंगवा लें, जो जुगाड़ बनता है वो कर लें, अपने आप को रेस्ट दें। जैसे ही आराम लगे काम पर लग जाएं। चलिए, मैं भी काम पर लग रही हूँ, किचन क्वीन है। तो मैं मीशो से कुछ चीज़ें मंगवाई हूँ, उन चीज़ों में सबसे प्यारी चीज़ मुझे जो पसंद आई है वो ये है छन्नी। क्वालिटी अच्छी नहीं है, पतली पतली दुबली दुबली है, खोलने गए तो मुद्दा हो रही है, पर इसका जो काम है ना मुझे इतना पसंद आया है, इसलिए मैंने पहला वीडियो इसी से शुरू किया है। इसमें मैंने मसाला डाला है, 1.25 किलो चावल बिरयानी टाइप बनाई थी मैं, तो खुला मसाला डालने के बाद बच्चे पादरी साहब क्या मसाला निकालते बैठना बोल के, उसके साथ फ्राई की हुई प्याज वगैरह भी सब निकाल देते हैं। तो मैं बहुत दिन से ये जुगाड़ ढूंढ ही रही थी, पर 2-3 बार ऑर्डर करी मिला नहीं था, तो ये इस बार मिला है। पूरा डाल कर मैं क्या सोची, चावल के साथ पकते हैं तो ज़्यादा फ्लेवर आता है, तो मैं पहले ही पानी में छोड़ देती हूँ इसे छन्नी को, फिर बाद में चावल धोकर डालती हूँ। पानी उबलने तक पानी का कलर चेंज हो गया था, और इतनी मसाले की खुशबू हो गई थी, 5 से 7 मिनट ही मैं ये छन्नी उसके अंदर छोड़ी थी, इतनी मसाला उसके अंदर आ गया था। और ये उतनी निकालने के बाद अब मैं फ्रिज में रखकर इसे दूसरी बार भी यूज़ कर सकती हूँ, तो मतलब बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। इसका प्राइस क्या है? 150, मतलब 150 रुपये का है। अगर ये 200-250 में थोड़ा सा किंचित बड़ा और थोड़ा मजबूत मिल जाए ना तो बहुत बेटर हो जाएगा, फिर भी ये कम नहीं है, काफी अच्छा है। छन्नी है बोलकर नरम है शायद। हाँ, और दूसरा प्रोडक्ट ये माशाल्लाह का स्टिकर, इसका प्राइस क्या है? कभी 90 रुपीज बता रहा है, कभी 118 बता रहा है, शायद फ्लक्चुएशन होते रहता है। ये स्टिकर मैंने वो वहाँ लगाई थी, बर्तन जहाँ धोती हूँ, जहाँ पीने का पानी है, मुझे है ना किचन में ऐसा कुछ भी गलत नहीं लगता है। तो मुझे एक कमेंट आया कि वो जगह सही नहीं है, आप वहाँ से निकाल लो बोलकर।
अब किसकी किसकी सोच कैसी होती है ना, तो मैंने फटाक से उठा के यहाँ निकाल कर लगा दिया। क्या मैंने सही किया? या आप भी किचन को बर्तन धोने वाला जगह गंदा मानते हैं, या फिर पूरे किचन को मेरे जैसा किचन से साफ कुछ नहीं? आप मुझे नोटिस भी करते होंगे, मैं नमाज भी किचन में ही पढ़ती हूँ, घर में यहाँ थोड़ी सी जगह नहीं है, सब गड़बड़ चीजें हैं। जहाँ मेरा नमाज पढ़ने का जगह है वहाँ मैंने वॉशिंग मशीन रखी है, तो इस वजह से मैं हॉल में पढ़ती हूँ। मतलब मेरे हिसाब से मुझे सबसे ज्यादा साफ किचन ही लगता है जी। साफ और सेफ। चलिए, आपकी क्या राय है जरूर बताना। जैसे ही मुझे मेरी व्यूअर का कमेंट आया ना, मैं निकाल के उसको यहाँ लगा दिया है। और इसे आप कहीं भी इस तरह से खींच के निकाल के है ना, कहीं भी लगा भी सकते हैं। अब मैंने वहां लगाया था, वहां से निकाल के यहाँ लगाया है। जब घर जाऊंगी तो इंशाल्लाह निकलेगा तो अच्छा है। आराम से निकाल के इसका पेपर रखी हूँ, उसी पे चिपका कर लेकर जाऊंगी। चलिए, दूसरा प्रोडक्ट ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लकड़ी का है, हल्की पतली पतली लकड़ी है और धागे में है, प्रिंट है। थोड़ा सा किचन सजाने वाली थी ना मैं, तो इस तरीके से सजाई हूँ। झाड़ वगैरह लगाऊंगी तो मच्छर हो जाएंगे, पानी बदलना पड़ेगा और लगाने के लिए हैंगिंग करना पड़ेगा, तो मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैंने ऐसे किया है। बिस्मिल्लाह का प्राइस, इसका प्राइस 92 रुपीज है। और एक दूसरा मेरे किचन के लिए मैंने ये ख़रीदा है, देखिए माय किचन ओपन 24 आवर। जहीन आके बोल रहा है ये ओपन 24 आवर, अगर मैं आया हूँ तो सही है अम्मी, ये आप लोगों के लिए सही नहीं है बोल रहा है। चलिए, इसका प्राइस 97 रुपीज़ है। दूसरा प्रोडक्ट ये देखिए जी, डस्ट क्लीनर मंगाई हूँ मैं, ये जेल के टाइप है, ये जैसे मोबाइल के कॉर्नर में वगैरह कुछ फंसा होगा तो निकालूंगी बोलकर मैं मंगवाई हूँ, पर ये हल्का ठंडा ठंडा है, गीला भी नहीं बोल सकते इसको, तो पात्री साहब आएंगे तो तब सही होगा क्या, देखकर कर लूँगी। इसका प्राइस 141 रुपीज़ है। ये देखिए, ये डिशवॉशर जेल मंगाया है मैंने, ये 2 लीटर है, उन्होंने ऐसे बोला है कि एक पर एक फ्री है बोलकर। इसका प्राइस 155 है। विम जेल की तरह इसमें खुशबू नहीं है, पर इसकी खुशबू भी अच्छी है और काफ़ी थिक है, अच्छा लगा मुझे यूज़ करने में। बर्तन भी काफ़ी अच्छे क्लीन हुए थे। इस हफ्ते के वीडियोस में मैंने आपके साथ ये काफ़ी यूज़ किया है, ये भी मैंने मीशो से मंगाया है, 80 रुपीज़ का है ये। इसका परफॉर्मेंस बहुत सुपर से ऊपर बोल सकते हैं, इतना अच्छा है, इसके ब्लेड घूम भी नहीं रहे हैं और थोड़ा सा खींचने के बाद बारीक भी हो रहा है, तो इसे तो मैं बिल्कुल रेकमेंड करूंगी। बहुत महंगा नहीं है, 80 रुपये का है और किचन क्वीन के पास होना बहुत ज़रूरी है। जल्दी से फटाक से इसके अंदर काटेंगे और जो भी रेसिपी बनानी है ना, मिनटों में बन जाएगी। रहीन रात भर जर्नी करके आया है तो सोया है। ये देखिए, ये पिलो कवर्स मंगाई हूँ, ये 3 का सेट है। ये देखिए, एक ग्रीन है, एक ब्लू येलो और ये एक ग्रे है। साइज़ बताती हूँ मैं आपको, क्योंकि इसका साइज़ है ना उसमें स्क्वायर बोल रहा था, मैं डरते डरते ही मंगाई, स्क्वायर बोले तो पिलो को कैसा आएगा, पर मंगाने के बाद ये देखिए 24 इंच लंबा है और 15 इंच चौड़ा है, ये तीनों वैसे ही हैं। ये एक पिलो कवर अलग है, ये 175 रुपये के 2 आए हैं, सेम मैं एक उठा कर रखी हूँ क्योंकि लगा नहीं, और ये 180 रुपीज़ के 3 हैं। इसकी लंबाई बताती हूँ मैं आपको, 18 इंच चौड़ा है, काफ़ी लंबा है, ये 29 इंच लंबा है, मतलब इसे मेरे पिलो के हिसाब से भी है ना, मुझे यहाँ से थोड़ा टाइट करना पड़ेगा। ये मुझे बहुत सही लगे और कॉटन है, थोड़ा सा पॉलिस्टर मिक्स है शायद, तो कुरकुरा तो लग रहा है पर सोने के बाद तकलीफ़ नहीं दे रहा है, अच्छा लग रहा है।
सिंपल से घर बैठे कुछ चीज़ें हो जाती हैं, कम मेहनत में कम प्राइस में अगर घर सज जाता है तो बहुत बेहतर है। और दूसरा प्रोडक्ट ये देखिए, किचन मैट, जैसा पिक्चर में दिखाया है वैसा नहीं है और अभी भी कैमरे में काफ़ी अच्छा कैच हो रहा है, मरून कलर, पिंक कलर देखने के बाद अच्छा लग रहा है, पर खुली आँखों से देखे ना तो इतना अट्रैक्टिव नहीं है ये। पर मैं किचन में एक मैट निकालने के बाद दूसरा डालूंगी बोलकर मंगवाई थी, यूसुफ बोला नहीं अम्मी ठंडी चालू हो गई है यहाँ डालो ये वाला मैट बोला, तो मैं यहाँ रखी हूँ। तो इसकी प्राइस 180 रुपीज़ है, वैसे ज़्यादा महंगा नहीं है पर इसमें दूसरे डिज़ाइन देख सकते हैं, उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है ये। मैं ये पिंक और मरून बहुत अच्छा दिखा मुझे मंगवाई, अभी इवन कैमरे में भी उतना ही अच्छा लग रहा है पर खुली आँखों से उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है ये। ये वीडियो पर क्लिक करेंगे और ये देखिए इसका नाम आवर मॉर्निंग रूटीन और यहाँ मोर जो है ना इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स आ जाएगा, YP मोमेंट फूड हैशटैग, उसके बाद कैंट इलेक्ट्रिक केटल, ऐसे सब में मैंने लिंक लगा दिए हैं हर चीज़ के। आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको जो प्रोडक्ट चाहिए उस प्रोडक्ट पर आप जा सकते हैं। चलिए वीडियो का स्पीड कैसे बढ़ाकर देखना है जिससे कम टाइम में आप मेरा पूरा वीडियो देख सकें, ये देखिए ये सेटिंग का बटन है ना, वहाँ जाने का प्ले बैक स्पीड, सॉरी दूसरे तरफ लग गया, ये जो फुल वाला है ना ये बटन पर जाने का, प्ले बैक स्पीड पर जाने का, ये नॉर्मल है और ये स्लो हो जाता है ऊपर वाले और ये नीचे वाले फास्ट हो जाते हैं। देखते हैं हाँ आवाज़ इसका बढ़ा कर कैसा लगता है, तो टू पर काफ़ी बारिश हो रही है ये काफ़ी स्पीड हो गया है। रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। आज शेयर करना था मुझे पर काम बहुत ज्यादा था तो चलो चलिए बार बनाऊंगी तो रिलैक्स और एक बार जो नए व्यूअर्स है ना उनके। चलिए आ गए अपने अड्डे पर डिनर की तैयारी करना है, थोड़ा सा चावल है, दाल पकानी है मसाले की और थोड़ा सा बिरयानी का जो मटन का मसाला है वो बाकी है और देखती हूँ क्या पकाना है। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।